आज शारदीय नवरात्रि का नौवा और अंतिम दिन है। ये समय माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बड़ा ही खास होता है। इन नौ दिनों में माता के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर अंतिम दिन माता के किस स्वरूप की पूजा का विधान है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि नवरात्रि के नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा की पूरी जानकारी के लिए हमने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से खास बातचीत की। उन्होंने हमें नवरात्रि के नौवें दिन माता के स्वरूप, खास मंत्र और नौवें दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया। तो चलिए एक एक करके सभी बातें जानते हैं कि सिद्धिदात्री देवी जी नौ दुर्गा क्रम में नौवें दिन जो है इनकी पूजा उपासना की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर माता की पूजन से क्या फल मिलता है। ऐसा माना जाता है सिद्धिदात्री की आराधना से आठ सिद्धियां की प्राप्ति होती है, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व शामिल है। ये ऐश्वर्य की और सभी सिद्धियों की देवियां हैं। जितनी भी सिद्धियां हैं सब इनकी उपासना करने से प्राप्त हो जाती है। अणिमा आदि जितनी अष्ट सिद्धियां, नौ निधि, जितनी भी चीजें हैं माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करने से प्राप्त होता है भक्तों को, और भक्तों को ऐश्वर्य और मोक्ष, भोग और मोक्ष दोनों देती है। यह इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इनकी पूजा अर्चना करने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति। माता की पूजा से क्या फल मिलता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना होगा, चलिए अब ये जानते हैं। तो ज्योतिष आचार्य ने हमें बताया कि देवी माँ को लाल फूल और कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता को लाल मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा हलवा पूरी का भोग भी लगाया जा सकता है। इससे देवी मन प्रसन्न होती है। कमल के आसन पर विराजमान है, लाल रक्त वस्त्र धारण की हुई है, रक्त कमल है, इनको कमल पुष्प चढ़ता है, रक्त पुष्प चढ़ता है, रक्त वस्त्र चढ़ता है। आइए जानते हैं कि माता का स्वरूप कैसा दिखता है। धार्मिक कथाओं की माने तो भगवान शिव ने भी माता की पूजा से अष्ट सिद्धियां प्राप्त की थी। पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। माता के स्वरूप की बात करें तो देवी माँ का वाहन शेर है और माँ अष्ट कमल पर विराजमान है। माता की चार भुजाएं हैं, उनके एक हाथ में अष्ट कमल, दूसरे में शंख, तीसरे में गदा और चौथे में चक्र है। ये भी कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कमल के आसन पर विराजमान है, लाल रक्त वस्त्र धारण की हुई है, रक्त कमल है। नवरात्रि के नौवे दिन देवी माँ की पूजा जरूर करें, इससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस दौरान आपको कुछ मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे माता सिद्धिदात्री जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखती है।